प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 69वें जन्मदिन पर सरदार सरोवर बांध पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार सरोवर डैम में नर्मदा पूजा करने के साथ जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि यहां जल सागर और जनसागर का मिलन हो रहा है, एक तरफ जनसागर है तो दूसरी तरफ जल सागर। अच्छा होता आज मेरे हाथ में कैमरा होता, प्रकृति हमारा आभूषण है। आइए आपको सरदार सरोवर बांध के बारे में बताते हैं। सरदार सरोवर बांध को बनाने की पहल आजादी से पहले ही हो गई थी। इसका सपना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। 5 अप्रैल 1961 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी, लेकिन कई तकनीकी और कानूनी अड़चनों के चलते ये लटकी रही और आखिरकार 1979 में इसकी घोषणा हुई। बांध के निर्माण का काम 1987 में शुरू हुआ, लेकिन 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के विस्थापन को लेकर इसके निर्माण पर रोक लगा दी। 2000-2001 में शीर्ष अदालत ने इसे बनाने की सशर्त अनुमति दे दी और ऊंचाई को घटाकर 110.64 मीटर करने का आदेश दिया। हालांकि 2006 में डैम की ऊंचाई को बढ़ाकर 121.92 मीटर और 2017 में 138.90 मीटर करने की इजाजत मिल गई। इस तरह सरदार सरोवर डैम को पूरा होने में करीब 56 साल लग गए। 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया था। आइए आपको बताते हैं कि इस डैम से क्या फायदे होंगे। सरदार सरोवर बांध से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों के एक बड़े हिस्से की सिंचाई हो सकेगी। राजस्थान और गुजरात की एक बड़ी आबादी को नर्मदा का पानी पीने के लिए मिलेगा। सरदार सरोवर परियोजना से 1450 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात के जिन इलाकों पर बाढ़ का खतरा रहता है, ये बांध उन्हें इससे भी बचाएगा। शूल पानेश्वर, जंगली गधा, काला मृग जैसे वन्य जीव अभयारण्यों को भी इससे लाभ होगा। इस डैम का शुरुआती बजट 93 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन इसे बनाने में 65,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसे बनाने में 86.20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ। बांध में कुल 30 दरवाजे हैं और हर दरवाजे का वजन 450 टन है। डैम की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 47.3 लाख क्यूबिक लीटर है। सरदार सरोवर बांध भारत के इतिहास की शायद सबसे विवादास्पद परियोजना रही है। आइए आपको बताते हैं परियोजना से जुड़े विवाद। सरदार सरोवर बांध के विरोध में मेधा पाटकर की अगुवाई में नर्मदा बचाओ आंदोलन वजूद में आया। आंदोलन का कहना था कि इस प्रोजेक्ट से 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होंगे और क्षेत्र के पर्यावरण तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दलील दी कि बड़े बांधों के निर्माण से भूकंप का खतरा बढ़ सकता है। बांध विरोधी कार्यकर्ताओं को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब 1993 में विश्व बैंक ने सरदार सरोवर परियोजना से अपना समर्थन वापस ले लिया। अक्टूबर 2000 में सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद सरदार सरोवर बांध का रुका हुआ काम एक बार फिर से शुरू हुआ। अमर उजाला.com